शेर हो क्या तुम जो मुझे मार डालोगे। ये कहावतें ये आम चाल की बोल भाषा में आप सुनते भी होंगे, लेकिन हम शेर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि शेर के को मात देने वाले एक ऐसे कुत्ते के ब्रीड के प्रजाति के बारे में बताने जा रहे हैं जो तीन चार हों तो एक अच्छे खासे शेर को भी मात दे सकते हैं, या यूं कहें तो मौत के घाट उतार सकते हैं। वो कौन सी प्रजाति है कुत्तों में जो हो, वो है, वो आप देख लीजिए तस्वीर, ये है, और ये जो आप देख रहे हैं रोड वायलर इसका नाम है। और इसकी कितना ये खतरनाक हो सकता है, ये सुरक्षा विशेष तौर से लोग इसे सुरक्षा के नज़रिए से अपने माफ़ी चाहता हूँ सुरक्षा के लिए घरों में अपने इसको रखते हैं, और जो बड़े बड़े फार्म तमाम तरह के लोग होते हैं उसके तौर पे इसको रखते हैं घरों पे, सुरक्षा के लिए इसको रखा जाता है। लेकिन इसकी पूरी जानकारी हमें जो देंगे वो हैं रामाशंकर जी, जो इसके बचपन से जुड़े हुए हैं, इसके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और वो करते हैं, और लगभग 10 साल 2010 से पूर्णतः इसमें जुड़ ही गए। तो सर ये जो है नाम मैं बताया, तो क्या जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसमें क्या जुड़ेंगे आप? ये एक्चुअली ये रॉटवाइलर के ब्रीड हैं, और ये एग्रेसिव ब्रीड में आते हैं। ये काफ़ी ओनर के प्रति इतने फ्रेंडली होते हैं जो पाले हुए हैं जी, उनके लिए इतने फ्रेंडली है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। अगर वो ये और इतने ये खतरनाक भी हैं कि जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं रॉटवाइलर कैसा होता है। ये ऐसे ब्रीड है कि ये 5-6 मील के एक शेर को भी मार सकते हैं। इसके पाउंड में इतने खतरनाक होते हैं कि ये 5-6 वो मिल के भी ये शेर को मार सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा और बताइए, इनका कैसा रहता है, रखरखाव कैसा? रखरखाव एकदम नॉर्मल है, आप नॉर्मल इसको कुछ नहीं, अगर घर पर बच्चे से तैयार करना है तो आप या तो नॉनवेज खिलाइए, अगर बहुत लोग होते हैं नॉनवेज नहीं खिलाते हैं तो आप इसको दही चावल दही फूड ये सब खिला के इसको तैयार कीजिए। और इसका इतना मतलब, और ये अनावश्यकता भूखते नहीं है, ये बिना मतलब के कुछ करते नहीं है। अच्छा, हाँ ये ब्रीड में खासियत है, देखें बाकी और सब आए तो भुगता है लेकिन ये नहीं भुकेंगे, जल्दी भुगते नहीं, ये जल्दी बिना मतलब कुछ नहीं करेंगे। जब इनको लगेगा उस टाइप से मालिक के प्रति कुछ ऐसा है तो फिर ये केज भी बाहर आ सकते हैं ये। अच्छा, इसको भी डांग सकते हैं, ये आराम से 5 फीट कर सकता है। शांत रहते हैं, गंभीर रहते हैं, अनावश्यकता कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसा समय आ जाए तो ये शेर को भी मार सकते हैं, शेर को भी मार सकते हैं। इतने ये पावरफुल ब्रीड होते हैं, इनके जो जबड़े में इतने स्ट्रांग होते हैं कि पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, हाँ इनका जबड़े इतने स्ट्रांग होते हैं। कितने में बिकते हैं, क्या प्राइस रहता है इनके, क्या प्राइस कितने में जाते हैं ये बच्चे? इसके बच्चे 20 के आसपास में, 20,000, हाँ 20,000 के आसपास में ये बच्चे अच्छे ब्रीड के मिल जाएंगे। अभी कितनी उम्र हुआ इसका? ये अभी 12 मंथ के दोनों हो चुके हैं, दोनों बहन ही हैं, दोनों फीमेल ही हैं। फीमेल है दोनों? जी। अच्छा, तो खुद ब्रीडिंग के पर्पस से हम रखे हुए हैं। हाँ, और ये मेल फीमेल दोनों लोग पालते होंगे ना? हाँ सब लोग पालते हैं। इसकी कितनी हाइट ऊंचाई कितनी होती है, लास्ट सबसे ऊंचाई कितनी रहती है? ये आपको आएगी 24 इंच के आसपास। 24 इंच इसकी हाइट हो पाएगी, करीब करीब 2 फीट के आसपास, इतना ही मतलब लगभग मिला जुला कैसा ही रहेगा, इतना ही रहेगा लाइफ। अच्छा, और कुछ इसके बारे में जो इसको और खास बनाता हो? इसके खास बनाने के लिए ये, अगर इनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा बोन वगैरह देना होगा, जो देखने में बल्कि दिखे, हैवी दिखे, देखने में छोटन है, कहावत भी है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये कहावत किसी और के लिए था, लेकिन इनकी भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से रामाशंकर जी बता रहे हैं कि इसकी जो अटैकिंग मुद्रा है मालिक के प्रति वफादार, चूँकि कुत्ते मालिक के प्रति वफादार होते ही हैं, जिनके जो इनको पालता पोसता है उनके प्रति वफादार होते हैं, एक अलग ही साथी एक लगाव होता है कुत्तों का इंसानों से जो अगर उससे जुड़े हुए हैं, और जब उस व्यक्ति पे किसी तरह का अटैक होता है तो ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह के जो ब्रीड हैं जी, ये देखने में बड़ी सिंपल है, साधारण है, कोई तरह का ऐसा नहीं लगेगा। मैं जब इसमें एंट्री किया था तो आसपास के 2-4 लोग जो थे साथी इनके आजू बाजू के, वो भूखना शुरू कर देते, लेकिन ये बड़े धीर गंभीर होकर देख रहे थे हमें कि आखिर ये आया कौन है हमारे इस घर में, और उसके बाद बड़ी शांत है, इसी के लिए नॉर्मल है। और जब तक से मालिक है रामाशंकर जी हमारे साथ हैं, शायद हम मैं भी सुरक्षित हूँ। हाँ एकदम, ऐसे भी कुछ नहीं बोलते अगर कोई रास्ते से आ जा रहा है तो? कि बोलते ऐसे नहीं बोलेंगे, इनको लगेगा कि आप उस टाइप के हैं इंसान, इनको अभाव हो जाएगा कि आप सही में हैं या मतलब कुछ
गलत नियत से आए तो इन लोगों को पहले ही एहसास हो जाता है। हाँ, एहसास हो जाते हैं तो ये अपना ड्यूटी पूरा करने लगते हैं। ड्यूटी पूरा कर लेंगे, देख रहे हैं जबड़ा इसका जबड़ा अभी बच्चा अभी और बोल्ड होगा ये। अच्छा हाँ, ये दो साल तक अभी दिखेंगे क्वालिटी इसके, दो साल तक अभी तो बच्चे एक साल के हैं। तो कभी आप भी अगर कुत्ता पालने का शौक़ रखते हैं, अगर आपके आप भी आसपास में जो किसान हमारे भाई हैं इनका कोई अच्छा फार्म है, मुर्गी फार्म, मछली फार्म या बकरी फार्म, तमाम तरह के जो फार्म गाँव देहात में चला रहे हैं और आपको लगता है कि सुरक्षा के लिए एक हमें भी इस तरह के कुत्तों की आपकी तलाश हो कि कौन से कुत्ते खरीदें या कि जो हमारे फार्म की सुरक्षा कर सके या हम वहाँ पर रखें, तो आप इस ब्रीड के भी कुत्तों को आप पाल सकते हैं। तो विशेष तौर से किसान भाइयों के लिए था कि किसान भाई, क्योंकि आज के समय में कई तरह का फार्म बहुत चीज़ें चला रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं कुत्ता उत्ता रखते हैं अपने फार्म की सुरक्षा और रक्षा के नज़रिए से, तो आप भी रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये शेर को मारने वाले, शेर को मात देने वाले इस रॉयल व्हीलर प्रजाति के कुत्ते के बारे में आपने जब जाना होगा तो आपको भी कुछ अच्छा लगा होगा, क्या कुछ अनोखा लगा होगा। आप भी इसके बारे में कुछ और भी जानते हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। तब तक के किसान तक की पुष्टि को दीजिए। सर नमस्कार, और मेरा नाम आप जानते ही हैं, अंकित कुमार सिंह।